Hello guys, in this lecture we will be discussing about all the operations performed on queue. So last video mein humne discuss kara tha stack ke bare mein. So that was we can only insert and delete from one end, right? But hum queue mein alag alag end se insertion and deletion karte hain. So insertion here is known as end queue and deletion is known as DQ. एंड जो इंसर्शन है वो हमेशा रियर साइड से होता है और डी क्यू मतलब डिलीशन जो होता है वो होता है फ्रंट साइड से. और जो हमारा क्यू होता है वो क्या होता है, फ्रंट से रियर तक के बीच में जितना भी कुछ आते हैं एलिमेंट्स उन सबको हम क्यू के एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं. फाइन. सो हम जो क्यू है उसको हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फर्स्ट बाय यूजिंग एरे and second by using linked list. So first we will discuss the implementation of queue by using array. Fine. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, hash define a5 means we are fixing the value of a with 5, right? So उसके बाद हमने क्या करा, जैसे हम array declare करते थे वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, queue a. यहाँ पे queue क्या है, हमारा array का नाम है and a is the size. Then front equals to minus one and rear equals to minus one. Fine. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे. Suppose we have to insert an element. तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो क्यू है वो फुल तो नहीं है. तो वो कैसे चेक करेंगे, हम ये देखेंगे कि रेयर जो है वो कहाँ पे है, क्योंकि रेयर क्या है हमारा, हम सिर्फ रेयर साइड से इंसर्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ रेयर के थ्रू ही इंसर्शन कर सकते हैं, मतलब एन क्यू कर सकते हैं. तो हमने रेयर चेक किया कि कहीं वो लास्ट एलिमेंट पे तो नहीं है, लास्ट ब्लॉक पर तो नहीं है. अब वो हम कैसे चेक करेंगे, हमारा जो ए था वो 5 था, साइज 5 है और एरे में क्या होता है, हमेशा 1 माइनस होता है, मतलब 4 तक हमें चेक करना होगा. सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो अगर हमारा जो रेयर है वो 4 पे होगा, इट मीन्स हमारा जो क्यू है वो फुल है. फाइन. तो सब वो हम कंडीशन कैसे चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखो, इफ रेयर इक्वल इक्वल्स टू ए माइनस वन, ए क्या था हमारा, साइज था. तो अगर ऐसा है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, ओवरफ्लो, मतलब हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते अब. बट इफ दैट्स नॉट द केस तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ फ्रंट इक्वल इक्वल्स टू माइनस वन एंड रेयर इक्वल इक्वल्स टू माइनस वन. मतलब क्या कि जो फ्रंट और जो रेयर है वो माइनस वन पे है, यहाँ पे है दोनों. इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी क्यू है वो एम्प्टी है. तो अगर ये केस होता है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल्स टू रेयर इक्वल्स टू जीरो और नल. फाइन. तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रंट और रेयर को दोनों को ही क्या कर रहे हैं, नल कर रहे हैं, नल पर कर रहे हैं, मतलब इस पर जीरो पर. जीरो क्या है, यहाँ का इंडेक्स है ये. फाइन. उसके बाद हम क्या करेंगे, जब रेयर हमारा कहाँ पे आ गया, रेयर हमारा यहाँ पे आ गया, मतलब फर्स्ट ब्लॉक पर आ गया, तो हम क्या करेंगे, क्यू रेयर इक्वल्स टू एक्स. हम एरे में भी इंसर्ट ऐसे ही करते थे इफ यू रिमेम्बर, राइट. सो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया. बट अगर ये भी केस नहीं है, सपोज यहाँ पे भी हमारा कोई एलिमेंट है, यहाँ पे भी हमारा कोई एलिमेंट है और हमारा रेयर कहाँ पे है, हमारा रेयर है 2 पे, सेकेंड इंडेक्स पे है, तो हम क्या करेंगे, रेयर प्लस प्लस, मतलब क्या हमने क्या किया, प्लस प्लस कर दिया, हम 3 पर आ गए क्योंकि ये भी फुल है. जब रेयर हमारा इस पर ऑलरेडी है इट मीन्स यहाँ पे भी एलिमेंट है, ये ब्लॉक भी फुल है, ठीक है. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हमने प्लस प्लस किया, उसके बाद क्यू रेयर इक्वल्स टू एक्स, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा एक्स जो वैल्यू थी उसे इंसर्ट कर दिया. अब ये एक्स कहाँ से आया, एक्स आया यहाँ से. बट अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भी यूजर से इनपुट ले सकते हो. फाइन. एरे में हमने बहुत बार इनपुट वगैरह लिया था, अब वो वीडियोस चेक करके यहाँ पे इनपुट ले सकते हो. सो हम नेक्स्ट देखते हैं डी क्यू. डी क्यू मतलब क्या, डिलीशन. तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं हमारे जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है. वो हम कैसे चेक करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों माइनस वन पे होते हैं इट मीन्स हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है. तो सपोज ऐसा नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे कि फ्रंट और रियर इक्वल तो नहीं है, मतलब एक ही एलिमेंट पर तो नहीं है. अगर वो दोनों एक ही एलिमेंट पर होते हैं, सपोज दोनों यहाँ पे हैं,
तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस वन कर देंगे, मतलब हम अपने क्यू को एम्प्टी कर देंगे। और हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारा जो क्यू होता है वो होता है फ्रंट से लेके रियर तक। तो अगर दोनों ही हमारा एक ही जगह है और हमें डिलीट करना है, मतलब हमारे पास सिर्फ यही एलिमेंट है जो हमें डिलीट करना है, तो हमने क्या किया, इसको डिलीट करा और हम कहाँ पे आ गए, माइनस वन पर आ गए। इसमें डिलीशन कैसे होता है, हम कोई एक स्पेसिफिक चीज यूज नहीं कर रहे डिलीट करने के लिए, हम बस क्या कर रहे हैं, फ्रंट को और रियर के बीच से वो एलिमेंट हटा दे रहे हैं। सपोज फ्रंट जो है वो है हमारा यहाँ पे एंड रियर जो है वो है यहाँ पे, तो ये दोनों केस तो फेल हो गया, मतलब इसके अंदर नहीं जाएंगे हम। हम किस पार्ट पे जाएंगे, हम एल्स पार्ट में जाएंगे, उसमें क्या है, फ्रंट प्लस प्लस, फ्रंट प्लस प्लस है, तो मतलब हमने क्या किया, फ्रंट को यहाँ पे कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने इसको डिलीट तो नहीं किया बट हमने फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दिया, और हमारा जो क्यू होता है वो फ्रंट से लेके रियर तक होता है। इट मीन्स वी आर ओनली कंसिडरिंग दीज, इसका मतलब क्या हुआ, ये हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो अगर हम इसे कंसिडर नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये डिलीट ही हो गया है हमारे लिए, फाइन। अब यहाँ पे एक और ऑपरेशन है पीक, जैसे हमने स्टैक में देखा था पुश एंड पॉप जो थे वो बेसिक ऑपरेशन थे, वैसे यहाँ पे एन क्यू और डी क्यू जो है वो बेसिक ऑपरेशन है, बट पीक ऑपरेशन भी क्यू के अंडर आता है। उसमें क्या होता है, जैसे स्टैक में हम सबसे टॉप वाले एलिमेंट प्रिंट करते थे, यहाँ पर भी हम क्या प्रिंट करेंगे, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट। तो हम ऊपर वाला एलिमेंट कैसे समझे, क्यू जो क्या होता है वो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक सेकेंड, यस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सबसे पहले यहाँ पे हमारा एलिमेंट आया तो यही एलिमेंट बाहर जाएगा, राइट। तो सपोज पहले हमारा ये एलिमेंट आया, फिर ये एलिमेंट आया, फिर ये एलिमेंट आया, तो अब डिलीट कैसे होगा, सबसे पहले इसको डिलीट करना होगा, मतलब ये बाहर जाएगा। तो हम अगर इसको देखें कि सबसे ऊपर कौन सा होगा जो जा रहे एलिमेंट, तो क्या होगा, ये सबसे ऊपर होगा, इसको ऐसे की जगह अब हम ऐसे देखें तो ये वाला जो एलिमेंट है वो सबसे ऊपर होगा, तो हमें क्या करना है, इसे प्रिंट करवाना। तो वो हम कैसे करवाएंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एम्प्टी तो नहीं है हमारा क्यू, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्यू का फ्रंट जो है वो प्रिंट करवा देंगे, सिंपल। नाउ वॉइड डिस्प्ले, अब डिस्प्ले फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले इंटीजर आई होगा, उसके बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, एम्प्टी कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें क्या होगा, आई इक्वल्स टू फ्रंट होगा, आई इज लेस देन रेयर होगा, आई प्लस प्लस करवाते रहेंगे, और प्रिंट क्या करवाएंगे हम, क्यू का आई। ये तो एक सिंपल एरो को प्रिंट कराने के जैसा है, राइट। अब हम देखते हैं कि हम क्यू को लिंक्ड लिस्ट के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोट करेंगे, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक लिया इंटीजर डेटा, फिर एक पॉइंटर लिया नेक्स्ट, फिर एक लिया फ्रंट दैट इज इक्वल्स टू जीरो, और फिर लिया रियर दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो मैंने इसको लिंक लिस्ट की तरह नहीं, मैंने ऐसे ब्लॉक्स में बनाया, बट इट इज अंडरस्टूड कि ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है क्योंकि ये लिंक लिस्ट है, राइट। सो नाउ हमें न्यू नोड बनाना पड़ेगा पहले, तो ये मैं काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि न्यू नोड हम कैसे बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, न्यू नोड के डेटा में एक्स ले लिया, और न्यू नोड का नेक्स्ट क्या कर दिया, नल कर दिया या फिर जीरो कर दिया। सो इफ फ्रंट इक्वल्स टू जीरो एंड रियर इक्वल्स टू जीरो, मतलब क्या, हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है, मतलब कोई भी क्यू फॉर्म नहीं हुई है अभी, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू न्यू नोड। सपोज हमने ये वाली नोड बनाई, यही हमारा फ्रंट है और यही है हमारा रियर, ठीक है, तो ये हमारी एक न्यू नोड बन गई। अब अगर ऐसा नहीं है, सपोज ये जो दो नोड्स है ये यहाँ पे बनी हुई है, उसके बाद क्या होगा, रेयर का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो हमारा जो रेयर है वो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा एंड फ्रंट यहीं पर होगा, ये दो नोड्स बनी हुई है ना क्योंकि, तो हम क्या करेंगे, रेयर का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। तो हमने ये सपोज एक न्यू नोड बनाई, तो रेयर का नेक्स्ट मतलब ये यहाँ से लिंक हो गया, एंड नाउ रेयर इक्वल्स टू न्यू नोड, तो ये हमारी न्यू नोड है, तो मतलब अब रेयर क्या हो गई, रेयर यहाँ पे पॉइंट कर रही है, फाइन। अब अगर हम दोबारा से इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, हम एक और बार इसे लिंक करेंगे और रेयर दोबारा से यहाँ पॉइंट करेगा, फिर दोबारा से ऐसे करेंगे और ये दोबारा से पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, लिंक लिस्ट में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, तो हम जितनी मर्जी उतने नोड्स बना सकते हैं, राइट। बट एरे में क्या था, हमारे पास एक लिमिटेशन थी,
सो अब हम इसका डी क्यू देखते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लिंक लिस्ट में डायरेक्टली कोई भी नोड एक्सेस नहीं कर सकते, हमें उसके लिए ट्रैवर्सिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक टेम्प्ट चाहिए, एक अलग से पॉइंटर चाहिए होता है ट्रैवर्सिंग के लिए। तो हमने क्या करा, टेम्प्ट इक्वल्स टू फ्रंट। सपोज हमारे ये नोड्स हैं, एक नोड ये है, दूसरा नोड ये है एंड दिस इज अ थर्ड नोड, और ये आपस में कनेक्टेड है, आई मीन लिंक्ड है ऐसे। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो क्यू है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। उसके लिए हम कंडीशन क्या चेक करेंगे कि जो फ्रंट है और जो रेयर है वो क्या दोनों जीरो तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या देखेंगे, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट, ओह सॉरी उससे पहले हमने क्या किया, टेम्प्ट इक्वल्स टू फ्रंट हमने किया हुआ है, मतलब ये हमारा क्या था, ये था हमारा फ्रंट यहाँ पे, और हमने क्या लिया, एक टेम्प्ट पॉइंटर लिया जो कि फ्रंट के इक्वल है, मतलब वो भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट, मतलब अब जो ये फ्रंट है वो कहाँ आ गया, वो आ गया यहाँ पे, ये लिंक ब्रेक हो गया। उसके बाद फ्री टेम्प्ट, हमने क्या किया, टेम्प्ट कहाँ पे, टेम्प्ट ये है, ये कहाँ पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, तो हमने इसे फ्री कर दिया। सिंपल। सो नाउ अभी तक हमने जितना भी किया उसमें एक डिसएडवांटेज था, वो क्या था कि सपोज हमारा फ्रंट जो है वो यहाँ पे है और रेयर जो है वो यहाँ पे है, तो अब हमारी क्यू क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि क्यू क्या होता है, फ्रंट से लेके रेयर तक होता है। तो मतलब ये वाला जो ब्लॉक है ये वेस्ट गया हमारा, माना कि ये खाली है बट हमारा जो रेयर है वो यहाँ पे कैसे जाएगा। सो टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेज क्या कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट है। फाइन, उसमें हम क्या करेंगे, ये जब फिनिश हो जाता है यहाँ पे तो वापस ये यहाँ पे चेक करता है कि कहीं यहाँ पे स्पेस खाली तो नहीं, और अगर खाली होती है तो वो यहाँ पे इंसर्शन स्टार्ट कर देता है। सो अब हम इसे देखते हैं, तो ये तो सेम है जैसे हमने नॉर्मल क्यू पढ़ा था वैसे ही सेम है। अब इसमें भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा जो क्यू है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं। अगर क्यू एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल्स टू रेयर इक्वल्स टू नल और जीरो। फाइन, मतलब फ्रंट और रेयर कहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट भी यहाँ पे आ जाएगा और रेयर भी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, इंसर्शन होगा, क्यू रेयर इक्वल्स टू एक्स। फाइन, बट इफ दैट्स नॉट द केस, और जो हमारा एरे है मतलब जो क्यू है उसमें ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स है, तो उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इफ रेयर प्लस वन मॉडुलस ए इक्वल इक्वल्स टू फ्रंट, क्या ये कंडीशन है। अब यहाँ पे ये मॉडुलस क्या है, आप लोगों ने सी में ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि हमें रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर कैसे आता है, सपोज 4/2 है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर जीरो होगा, बट अगर यहीं पे हमारे पास 5/2 है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा हमारा 1। फाइन, तो ये कैसे निकालते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं 5 modulus 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, और इसका आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। फाइन, तो हम क्या करेंगे, हम अभी मॉडुलस की बात कर रहे हैं। सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन, या सो हम इसे कैसे चेक करेंगे कि ओवरफुल है या नहीं, तो ये क्या है, ये होगा हमारा 4, ये होगा हमारा 0, 1 2 3 4, राइट। तो अगर हमारा रेयर यहाँ पे है और जो फ्रंट है वो यहाँ पे, मतलब हमने अभी तक कुछ डिलीट नहीं करा है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, 4+1, रेयर क्या हमारा 4 है, तो 4+1 इज 5, 5 modulus a, हमारा a क्या है, हमारा a भी क्या है 5, तो हमने यहाँ पे भी 5 किया। नाउ 5 modulus 5 कितना होता है, 0 होता है, रिमाइंडर 0 आएगा, और हमारा फ्रंट क्या है, फ्रंट भी हमारा 0 पर है, तो ये जो है फ्रंट के इक्वल है। इट मीन्स जो हमारा q है वो फुल है, राइट। अब अगर यही फ्रंट हमारा 2 पे होता या यही फ्रंट हमारा 3 पे होता तो ये कंडीशन फॉल्स जाती, तो मतलब हमारा जो ये है वो ओवरफुल नहीं होता। जबकि नॉर्मल क्यू में क्या था कि अगर हमारा रेयर जो है वो ए माइनस वन पे चला जाता था, इट मींस हमारा जो क्यू है वो फुल है, बट यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे हमें इस कंडीशन को चेक करना है। फाइन,
सो नाउ अगर हमारा जो क्यू है वो फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस वन मॉडुलस ए। अब हम दोबारा यही फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सपोज हमारा जो रेयर है वो यहाँ पे है एंड जो फ्रंट है वो यहाँ पे है, थ्री पे है, थर्ड इंडेक्स पे हमारा फ्रंट है। तो अब देखा जाए तो हमें इसके आगे नहीं जाना है क्योंकि हम फोर के आगे नहीं जा सकते। हमें कहाँ जाना है, हमें दोबारा जीरो पे जाना है। और हम जीरो पे कैसे जा सकते हैं, हमने अभी देखा कि फोर प्लस वन इक्वल्स टू फाइव और ए की वैल्यू भी फाइव है, तो फाइव मॉडुलस फाइव कितना होता है, फाइव मॉडुलस फाइव होता है जीरो। तो अब रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो मतलब अब रेयर कहाँ जाएगा फोर के बाद, जीरो पे जाएगा। फाइन, ऐसे अगर हम फिर नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमारा जो रेयर है अब जीरो है तो जीरो प्लस वन कितना हुआ, वन। वन मॉडुलस फाइव, वन मॉडुलस फाइव कितना होता है, वन होता है। तो अब हमारा रेयर कहाँ जाएगा, हमारा रेयर जाएगा वन पे, राइट। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सर्कुलर बन गया, ये एंड से जाके दोबारा फर्स्ट पे जा रहा है। फाइन, तो इससे जो हमारा डिसएडवांटेज था कि हम पहले वाले जो ब्लॉक्स थे जो डिलीट हो चुके थे उनको यूज नहीं कर पा रहे थे, तो हम इस तरीके से अब उन्हें भी यूज कर सकते हैं। सो नाउ डी क्यू देख लेते हैं। अब डी क्यू में क्या है, सबसे पहले वही हम ये चेक करेंगे कि कहीं हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है, वो चेक करा हमने। नाउ हम क्या चेक करेंगे कि फ्रंट इक्वल इक्वल्स टू रेयर तो नहीं है कहीं। अगर ऐसा होता है, मतलब दोनों जो है वो एक ही जगह पे है, फ्रंट भी यहीं पे है रेयर भी यहीं पे है, तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को किससे इनिशलाइज कर देंगे, वन से इनिशलाइज कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, हमारा जो क्यू है उससे हट जाएंगे और दोनों को माइनस वन से इनिशलाइज कर देंगे। बट इफ दैट्स नॉट द केस, हम फिर क्या करेंगे, हम करेंगे या अगर आपको प्रिंट करना है कि आप क्या डिलीट कर रहे हो तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो लाइन, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। बट मुझे दिखाना है कि मैं क्या डिलीट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं उससे पहले प्रिंट करवाऊंगी। तो हमने क्या प्रिंट किया, पहले हमने क्यू का फ्रंट प्रिंट किया। तो सपोज फ्रंट जो है वो यहाँ पे है, तो हमने क्या किया, पहले ये वाला एलिमेंट जो है वो हमने प्रिंट करवाया, उसके बाद हमने क्या किया, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस वन मॉडुलस ए। और मैंने अभी आपको समझाया था ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है, तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्रंट है वो यहाँ पे चला गया, राइट। और अगर फ्रंट यहाँ पे चला गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिलीट हो चुका है। फाइन, अब अगर हमें इसे डिस्प्ले करवाना है तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बस थोड़े से चेंजेस होंगे जो हमने नॉर्मल क्यू में पढ़ा था। सबसे पहले वही हम कंडीशन चेक करेंगे कि कहीं हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है, एंड या उससे पहले हम इंटीजर आई इक्वल्स टू फ्रंट भी करेंगे। वो क्यों करेंगे अभी हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। यस, सो नाउ अगर एम्प्टी नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, व्हाइल आई इज नॉट इक्वल्स टू रेयर, आई क्या था हमारा फ्रंट था, तो सपोज फ्रंट यहीं पर है और जो रेयर है वो हमारा यहाँ पे, तो आई कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले आई होगा हमारा यहाँ पे, राइट। आई यहाँ पर है तो हमने क्या किया, हमने पहले उससे प्रिंट करवा दिया क्यू आई। अब हम डायरेक्टली आई प्लस प्लस नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया, सपोज हमारा फ्रंट है यहाँ पे, फ्रंट यहाँ पे है, तो हमें क्या करना है, हमें ये एलिमेंट प्रिंट करवाना है, ये एलिमेंट भी प्रिंट करवाना है, ये भी प्रिंट करवाना है और ये भी प्रिंट करवाना है। तो अगर हम सिंपल इंक्रीमेंट करेंगे तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं करवा पाएंगे, राइट। इसलिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट होगा प्रिंट, फिर ये वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, राइट। बट ये वाला एलिमेंट प्रिंट कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें, एक सेकेंड मैं स्क्रीन जरा क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रंट यहाँ पे है एंड रेयर यहाँ पे, या तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट प्रिंट करवाया, ये वाला प्रिंट करवाया, ये वाला प्रिंट करवाया, ये वाला प्रिंट करवाया। अब क्या हुआ, हमारी जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई, राइट। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम तो लूप से बाहर आ गए, बट हमें क्या करना है, हमें ये वाला एलिमेंट भी प्रिंट करवाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रिंट परसेंटेज डी क्यू आई, राइट, क्योंकि आई तो हमारा इंक्रीमेंट यहीं पे हो गया था। फाइन, अब सपोज थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट केस लेते हैं। सपोज जो हमारा फ्रंट है वो यहाँ पे है और जो रेयर है वो यहाँ पे है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कोड हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ का प्रिंट करवाएंगे, फिर यहाँ का प्रिंट करवाएंगे, फिर यहाँ का प्रिंट करवाएंगे।
ये तीनों एलिमेंट्स तो हम सिंपल इंक्रीमेंट करके भी प्रिंट करवा सकते थे, बट अब हम यहाँ पर आ गए। अगर हमने सिंपल इंक्रीमेंट किया होता, हमने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया होता, तो हम क्या हो जाते, यहाँ पर आके हम स्टक कर जाते, हम आगे ही नहीं जा पाते। बट हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज किया है और मैंने आपको अभी बताया था इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या जा सकते हैं, इसके बाद हम सीधा यहाँ पर चले जाएंगे। फाइन, हम यहाँ पर आ तो गए, बट हमारी कंडीशन क्या हो गई, हमारी कंडीशन यहाँ पे हो गई फॉल्स, तो हम व्हाइल लूप से बाहर आ गए, राइट। बट हमें क्या करना है, हमें ये वाला एलिमेंट भी प्रिंट करवाना है, तो इसलिए हमने बाहर भी, व्हाइल लूप के बाहर भी ये लाइन लिखी हुई है। फाइन, सो अब सर्कुलर क्यू को लिंक लिस्ट के थ्रू देख लेते हैं। सो दिस विल बी एज इट इज, जो हमने सिंपल क्यू में डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने न्यू नोड भी बनाया, ये सब किया, फाइन सेम है ये सब कुछ। नाउ इफ रेयर इक्वल इक्वल्स टू जीरो, सपोज ये है हमारा लिंक लिस्ट, अभी दो ही नोड्स हैं, राइट। बट अगर रेयर इक्वल इक्वल्स टू जीरो है, मतलब हमारे पास अभी कोई नोड्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक न्यू नोड लेंगे। हमने यहाँ पे एक न्यू नोड लिया, उसी को हमने फ्रंट कर दिया, उसी को हमने रेयर कर दिया, राइट। एंड क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। सो नाउ इफ दैट्स नॉट द केस, रेयर इक्वल इक्वल्स टू जीरो नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या है, रेयर का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो मतलब हमने यहाँ पे एक न्यू नोड बनाया एंड ये ऐसे हो गया, रेयर इक्वल्स टू न्यू नोड, तो नाउ दिस इज रेयर। नाउ रेयर का नेक्स्ट इक्वल्स टू फ्रंट, सो फ्रंट था हमारा यहाँ पे, एंड रेयर का नेक्स्ट क्या है, ये है रेयर का नेक्स्ट। यहाँ पे दो पार्ट होते हैं ना, एक डेटा होता है और एक एड्रेस होता है, एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे लिंक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेयर का नेक्स्ट जो है वो इक्वल्स टू फ्रंट है, और जो फ्रंट होता है हमारा क्या होता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है, यहाँ पे फर्स्ट नोड होता है, जब तक हमने कुछ डिलीट ना किया हो, राइट। सो ये हो गया हमारा एन क्यू। अब एक बार डी क्यू देख लेते हैं। सो नाउ डी क्यू में हम हमेशा क्या करते हैं, हम एक टेम्प्ट पॉइंटर लेते हैं फॉर ट्रैवर्सिंग, तो यहाँ पे भी हमने लिया है। सो नाउ टेम्प्ट इक्वल्स टू फ्रंट, सो इफ फ्रंट इक्वल इक्वल्स टू जीरो एंड रेयर इक्वल इक्वल्स टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगी हमारी क्यू। तो ये कंडीशन हमने चेक कर ली, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, फ्रंट इक्वल इक्वल्स टू रेयर तो नहीं है, क्योंकि अगर फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो क्यू है उसमें एक ही एलिमेंट बचा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा क्या कर देंगे, फ्रंट इक्वल्स टू रेयर इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। सपोज ये हमारा नोड था, यही हमारा फ्रंट भी था, राइट, और यही क्या था हमारा, यही था हमारा रेयर। अब एक ही एलिमेंट है और हमें करना है डिलीट, मतलब हमें डी क्यू परफॉर्म करना है, तो हमने क्या किया, हमने फ्रंट और रेयर को कर दिया जीरो और नल, तो ये अपने आप ही हो गया डिलीट, राइट। तो हमने क्या कर दिया, फ्री अटेम्प्ट। बट अगर ऐसा भी नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, एल्स पार्ट चेक करेंगे। सपोज हमारे पास ये लिंक्ड लिस्ट गिवन है, इसमें तीन नोड्स है, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट, सो ऑब्वियसली दिस इज फ्रंट, राइट। और हमने यहाँ पे लिखा है कि टेम्प्ट इज इक्वल्स टू फ्रंट, तो मतलब यहाँ पे भी एक और पॉइंटर है टेम्प्ट, जो कि क्या है, फ्रंट पे है, राइट। सो नाउ रेयर का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू फ्रंट, अब रेयर का नेक्स्ट इक्वल्स टू फ्रंट क्या था, सॉरी हमने ये वाली लाइन मिस कर दिया, सो फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट, तो फ्रंट का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मतलब ये वाला नोड, तो अब फ्रंट क्या हो गया, फ्रंट हो गया अब ये, और ये वाला जो लिंक है वो हो गया है ब्रेक। उसके बाद रेयर का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू फ्रंट, रेयर कहाँ पे होगा, रेयर होगा हमारा यहाँ पे जहाँ पे हमने लास्ट इंसर्शन परफॉर्म किया होगा, मतलब हमने जहाँ पे लास्ट एन क्यू परफॉर्म किया होगा, तो ये रहा रेयर। इसका जो नेक्स्ट है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा फ्रंट पे, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम इधर गए, यहाँ से हम वापस आ गए, इस नोड का कोई काम नहीं है, हमें इसे डिलीट ही करना था, अब हम क्या करेंगे, फ्री अटेम्प्ट, हम इसे डिलीट कर देंगे, फाइन।